बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो मेरे बहन भाई? आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल हनी व्लॉग। तो आज ही हम लाए हैं फ़िश रेडीमेड, घर पर नहीं बनाई। ये देखे, मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ कितनी मज़े की लग रही है, खाएंगे तो पता चलेगा। साथ में बाहर से नान ले आए हैं, बच्चे कह रहे थे जी आज हमें फ़िश खिलाएं बाबा जी, बाबा जी फ़िश खिलाएं। वो ले आए बेचारे, तो इनसे खाई तो नहीं जानी इतनी मुझे पता है। साथ में नान ले के आए हैं, ये रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं, इस टाइम हम खाना खा रहे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम भी मिल गई है। इसके पापा दूर थे, कहते चलो मैं ले आता हूँ। ये देखे मज़े मज़े की लग रही है फ़िश ना, तो आज जो चीज़ मेरे बहन भाई ने खानी है। तो हम फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहे हैं, मतलब कि खाते थे पहले भी लेकिन टाइम ही नहीं मिला लाने का बाहर से, तो घर में नहीं बनाई। मैंने कहा चलो बाहर से ले कर आ जाते हैं। तो साथ में उन्होंने ये देखे लेमन भी दिए हैं कि ऊपर लगाना है तो लगा लें, गले पहले ख़राब है, मसाला बहुत लगाया हुआ है, स्पाइसी है। तो ट्राई करते हैं किस तरह की पाई, किसी और शॉप से लेके आए, कहते ट्राई करें आपको पसंद आएगी तो फिर और ला दूंगा किसी दिन। ये ले जी देखे, मैंने ना कहा था ना मैं आगे आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी मैं क्या करने लगी हूँ। ये हम ना साग लाए हैं, ये तो साग देखे कितना प्यारा छोटा छोटा सा, लेकिन पहले सीजन जब स्टार्ट हुआ तब भी महंगा था, तो दरमियान में ठीक हो सस्ता हो गया, अब फिर महंगा हो गया। तो देसी साग है माशाल्लाह, बड़ा प्यारा साग है छोटा छोटा सा। तो मुझे ना छुरी के बगैर किसी चीज़ से काटना नहीं आता, तो आज मैं लेके आई हूँ एक और चीज़ टोका, जिसके साथ मैं साग काट के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें ये इसके साथ मैंने काटना है। तो छुरी के साथ ना हाथ पे लग जाता है, सारे हाथ गंदे हो जाते हैं, हाथ जख्मी हो जाते हैं। तो दात्री के साथ या दातर के साथ मुझे साग नहीं काटना आता, तो इसलिए मैं ना ये लेके आई हूँ। तो मेरे साथ रहना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जैसे मैं बनाऊंगी। मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ हैं, वो भी साग बना रही, मैंने कहा वो मेरी हेल्प कराएं, तो हम दोनों मिलके बनाने लगे हैं। तो मेरी वीडियो पूरी देखना, स्किप ना करना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ काट के कि मैं इसके साथ कैसे काटूँ। गैस आ नहीं रही, लेकिन जब रात को आएगी गैस तकरीबन 3-4 बजे मैं फिर उठ के साग रखूँगी। तो जब चीज़ खाने का दिल करे तो मेहनत भी करनी चाहिए भाई, हमें शौक है इन चीज़ों का, हम मेहनत भी करते हैं। मेरे साथ रहना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये टोके के साथ हम काट रहे हैं, लेकिन इसकी छुरियाँ हो गई हैं ख़राब, कोशिश कर रहे हैं तो फिर भी हम ना ये देखें, तो ये काट रहे हैं। ये देखें नीचे काट के हमने रखा हुआ, ये देखें छोटा छोटा, ये देखें इसी तरह मैंने सारा ही काटना है। तो हम लोग काट के आप लोगों को दिखाते हैं सारा, क्योंकि एक हाथ वाला काम नहीं, ये दो बंदों का काम है, काट के फिर आप लोगों को साथ दिखाते हैं कि हमने काट लिया। ये ले जी देखे जी हमारे काम, देखे हमने ना बेड पे रखे इसका चाय साग बना रहे हैं। ये देखे कितना प्यारा बारीक बारीक काट दिया इसने, ये देखे। तो मेहनत वाला काम है तो सही है, लेकिन हर काम में मुश्किल होती है, तो छुरी से बेहतर है ये, या दातरी से, जो दातर के साथ काटो उसके साथ हमें काटना नहीं आता। तो मैंने कहा चलो ये इसके साथ ही मैं काट लेती हूँ। ये देखे चलो भाई लगाओ जल्दी करे, ये देखे थोड़ा थोड़ा लगाते जाना पीछे, ये देखे ये देखे काट रहा थोड़ा थोड़ा थोड़ा। देखे जी जोर वाला काम लग रहा है, आज खाया पिया सब हजम होगा। ऐसे जिम्मेदार लोग जो है ना भैंसों का चारा काटते हैं, उनके पास बड़ा टोका होता है बिजली वाला, तो यकीन जब वो काटते तो हम कहते हैं ये कितना मजे का काम है, कितना मजे का काम है। लेकिन ये देखे ये छोटा सा है तो मजे का काम तो देखे कितना, हाँ कितना बारीक मजे का बना रहा है छोटा छोटा। आज मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, हाथ बिछाए भाई अपना अपना। अभी इसकी छुरियाँ लगाने वाली हैं, सही लगी नहीं है छुरियाँ इसकी, ख़राब हुई हैं, गली में कोई आएगा तो फिर लगवा लेंगे छुरियाँ इसकी। ये किसके साथ हाथ नहीं ख़राब होते, मतलब जो कट लग जाते हैं हाथ को या हाथ गंदे हो जाते हैं। क्या बोन नहीं देता, ये बहुत गंदा बच्चा, ये आप लोगों का घर आएगा इसको भी बलून ना देना, ठीक है? इसकी पुटाई करना, मैं अपने बेटे को ले देती हूँ। ओके, मैं अपने ब्रेन पड़े हो के क्या बनना है? पापा बनना है, मैं मर गई। पापा बन के क्या, तो कितने बच्चे हैं आपके? चार। तो बच्चों का नाम क्या है, क्या नाम है? कनीज। कनीज बच्चों का नाम है। तो शादी किसके साथ करवानी है? लड़की मम्मा शादी करवानी है, तो मम्मा ने बेटा मिला काफी नहीं? तो सही कह रहे हैं, वो जो कनीज है मेरी बेटी है, तो उसकी भी बेटी। जी। भाई हमारा इब्राहिम कह रहा है कि असी ना मैंने बड़ा होकर पापा बनना है। ये देखो जी बच्चे के दिल की बात है, सही बात है पुत्र, पापा ही बनना बड़ा होकर असी।
साग मैंने काट लिया इसी तरह, ये देखे बारीक बारीक, जो दातर या दातरी के साग छुरी के साथ काटे वो इतना बारीक नहीं काटा जाता, तो इसलिए मैंने आज इसके साथ काटा है। मैंने कहा चलो अपने बहन भाई के साथ शेयर करती हूँ। पहले भी मैंने ना साग की वीडियो लगाई हुई है, तो वो पकाने की भी और काटने की भी सारी मतलब मुकम्मल लगाई है, सिर्फ मैंने आज काट के दिखाया टोके के साथ। तो जिस मेरे बहन भाई को चाहिए मेरी वीडियो, वो मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपको आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त इसी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, साग बना के खाएं मज़े मज़े का।